सिस्टम के साथ ये मेन्यू बटन, ये एग्जिट बटन है या एंटर बटन है। तो मेन्यू प्रेस करते ही ये सबसे ऊपर आपका समर सीजन है जो डेट और टाइम के हिसाब से स्कूल के टाइमिंग शो करेगा। मेन्यू बटन प्रेस किया, सेटिंग्स आती हैं, सेटिंग्स के आगे बटन प्रेस किया, पासवर्ड इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, एंटर प्रेस किया। अब सपोज हमें समर सीजन्स पे टाइमिंग सेट करनी है तो सीजन्स पे क्लिक किया। लेट्स से समर सीजन पे हम टाइम फिट करते हैं, समर सीजन का बटन प्रेस किया, एक समरी स्क्रीन आती है। इस स्क्रीन पे टाइम सेट करने के लिए आपको एंटर बटन प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद फर्स्ट टाइम आपको फिट करना है, लाइक अगर सपोज मैं अभी 14:46 का टाइम सेव करता हूँ, नेक्स्ट स्क्रीन आती है कंटिन्यूस ऑन, ये आपका बेल कंटिन्यू रिंग करेगा। अगर इसी को मैं डाउन एरो से 1 सेकंड ऑन 1 सेकंड ऑफ करता हूँ तो ये पीरियड वाइज बेल को रिंग करेगा। से 5 साइकिल्स मीन्स 5th पीरियड की बेल, 4th साइकिल मीन्स 4th पीरियड की बेल, 3rd साइकिल मीन्स 3rd पीरियड की बेल, सो ऑन, एंटर। इसके बाद डेज कोड हमको एक्टिवेट करने होते हैं। फर्स्ट डे इज संडे एंड मंडे के ऊपर 2 है तो मंडे को प्रेस किया, मंडे यस, ट्यूसडे यस, वेनसडे यस, थर्सडे यस, फ्राइडे यस, सैटरडे यस, देन एंटर। एंड ये हमारी फिर से समरी आ गई जो हमने टाइम फीड किया है उसकी समरी पूरी आई है। इसको एंटर करते हैं तो सेव वर्ड आ गया, ये टाइम आपका सेव हो गया है। देन डाउन एरो बेल नंबर 2, फिर से नेक्स्ट टाइमिंग को हम लोगों ने फीड किया 14:47, एंटर। अब मैं कंटिन्यूस ऑन पैटर्न पे बेल रिंग करता हूँ, 5 सेकंड के लिए कंटिन्यू बेल बजेगी। अगेन सारे डेज मैंने एक्टिव कर दिए, एंटर, सेव्ड। ये सब करने के बाद मैं एग्जिट आ गया हूँ। समर सीजन है, नेक्स्ट बेल टाइमिंग आपको शो कर रहा है 2:46 पे, ये बेल आपका रिंग करेगा। टू फोर्टी सिक्स हो चुका है, नेक्स्ट बेल की टाइमिंग आपकी आ रही है 2:47। इस टाइम पे कंटिन्यूस बेल बजेगी 5 सेकंड के लिए जो हमने टाइम सेट किया हुआ था, और वो बेल बजने के बाद नेक्स्ट बेल का कोई टाइम होगा तो नेक्स्ट टाइम शो करेगा, अदरवाइज ये आपको ऑल ओवर शो करेगा। तो लेट्स से 2:46 इज देयर, नाउ ऑल ओवर।